हेलो, दिस इज कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स एके पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस टेक्निक्स एंड वेरियस मेथड्स हाउ वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम, हाउ यू कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम एरेज, हाउ यू कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी, 2D डिक्शनरीज, हाउ यू कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D लिस्ट्स एंड मेनी मोर। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें, और कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेट अस बिगिन विद द वीडियो। यस, सबसे पहले बात आती है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली कर करके दिखाऊंगा, क्योंकि कोड मैंने यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में तैयार कर रखे हैं पहले से ही आपके लिए, सो दैट आई शुड नॉट टेक मोर टाइम फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे बनाया जाए, उसे प्रिंट भी करना है। तो मैं एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाने के लिए, सबसे पहले आपको पता ही है कि पैंडास इम्पोर्ट करना होता है, इम्पोर्ट कर लिया सॉरी और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, इसे सेव कर दीजिए, रन करा दीजिए। ये आपका डेटा फ्रेम तैयार है, एम्प्टी डेटा फ्रेम प्रिंट किया है इसने, कॉलम्स नथिंग, इंडेक्स नथिंग, ओनली डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड। सवाल उठता है उस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। यस, इसका नाम DF है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ कि नहीं मेमोरी में, तो आप इसका ID पता कर सकते हैं, ID ऑफ DF क्या है। तो इसका ये रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको मिल रहा है, इसका मतलब डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट DF हैज बीन क्रिएटेड इन द मेमोरी, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात अगर मैं करता हूँ, और यहाँ पर इसका मैंने आउटपुट दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज लिस्ट। ध्यान से देखें, जैसे हम नॉर्मल ज़्यादातर इसी मेथड से डेटा फ्रेम बनाते हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया, स्टूडेंट्स अमन, रवि, शशि, रोहित, मोहित, एवरेज मार्क्स एक की है, और इसके जो वैल्यूज़ हैं ये हैं, आउट ऑफ 40 एवरेज मार्क्स हैं, सेक्शन बताए गए हैं ABCDE किस किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं। बी भी यहाँ पर दो बार हो गया है, आप चाहें तो इसे ABDBE ऐसा भी आप कर सकते हैं हालांकि, और अगर आप अलग अलग सेक्शंस का रखना चाहते हैं, यूनिक सेक्शंस का, तो सेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हैं, सिमिलर फैक्ट सेक्शंस के भी हो सकते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीज आर द डेटा एंड DF1 इज इक्वल टू PD.DataFrame Dictionary1 यहाँ पास कर दिया, और ये आपका डेटा फ्रेम प्रिंट करा दिया। तो अगर मैं इसको जाकर के वहाँ ओवरराइट करता हूँ सॉरी पाइथन प्रोग्राम में अगर इसको मैं ओवरराइट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सेम आउटपुट इज गोइंग टू अपीयर। ये वाला आउटपुट मैंने यहाँ पर आपके लिए पेस्ट कर रखा है ऑलरेडी। ये एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम है सभी, जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो, यू शुड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज हैपनिंग एंड व्हाट मे बी द आउटपुट। देयर आफ्टर अनदर क्वेश्चन, चेंज द इंडेक्स ऑफ द वेब डेटा फ्रेम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रिंट इट। सवाल उठता है कि इसके इंडेक्स जो है डिफॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं, इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज इट्स इंडेक्स, ये डिफॉल्ट इंडेक्स अगर मैं चेंज करके फिर से DF प्रिंट करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे। इसका जो इंडेक्स एट्रीब्यूट है आप जानते हैं, इंडेक्स एट्रीब्यूट से भी कर सकते हैं और साथ साथ डेटा फ्रेम क्रिएशन के समय भी कर सकते हैं। तो वंस द डेटा फ्रेम इज ऑलरेडी क्रिएटेड, यू कैन यूज दिस इंडेक्स एट्रीब्यूट DF1.Index इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ, आई मीन दीज आर द इंडेक्सेस, कितने इंडेक्स होने चाहिए, जितनी रो हैं उतने इंडेक्स होना मस्ट है, मैचिंग होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगी। तो आइए इसको हम पेस्ट करके आपको दिखा देते हैं, बाकी सारा कुछ ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ये कर दिया, ये प्रिंट दो बार हो गया, एक बार हटा देता हूँ, सेव कर दिया और रन करा दिया। पहले देख रहे हैं आप इंडेक्स जो है 0, 1, 2, 3, 4 हो रहा था, अभी सेम इंडेक्स हैव बीन ओवररिटन बाय आवर ओन इंडेक्स लेवल्स 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th।
इस तरह से आपने देखा कि ये वाले जो इंडेक्स लेबल्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 की जगह आ गए एंड द आउटपुट हैज़ बीन चेंज्ड, लिटिल वेरिएशन हो गया, केवल इंडेक्स में वेरिएशन हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड इट्सेल्फ ड्यूरिंग कोडिंग इट्सेल्फ चेंज द इंडेक्स। अब कह रहे हैं कि ये तो भाई डाटा फ्रेम क्रिएट करते समय, तो यहाँ ड्यूरिंग कोडिंग की बजाय हम कर सकते हैं ड्यूरिंग क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, है ना। डेटा फ्रेम क्रिएट करते समय ही हम इंडेक्स चेंज कर दें, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आप ये वाली लाइन पास कर रहे थे, बाकी सारा सिमिलर है कोडिंग, केवल df1 इज इक्वल टू पीरियड और डेटा फ्रेम डिक्शनरी 1 केवल लिखते थे, तो वहीं पर कॉमा लगा के इंडेक्स पैरामीटर में हम लोग अपनी इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं ये लाइन ले लेता हूं आपकी यहां से, व्हाइल क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम यू कैन पास ऑन द इंडेक्स पैरामीटर एज लिस्ट ऑफ वैल्यूज। दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है आपकी मैं चेंज कर देता हूँ, पीरियड और डेटा फ्रेम डिक्शनरी 1 पास कर दिया, इंडेक्स इज इक्वल टू जो भी आपको इंडेक्स देना है, बस ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इंडेक्स शुड बी इक्वल टू द प्रीड एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 था, वहाँ पर 5 रो थी, तो यहाँ 5 इंडेक्सेस हमें पास ऑन करना है। ये वाली लाइन मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी ये इंडेक्स आ गए 1st, 2nd, 3rd, 4th, और ये इंडेक्स जो आपने लिए हैं इसमें, दिस इज ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ द डेटा फ्रेम इन द सेम कमांड इंडेक्स पैरामीटर हैज़ बीन स्पेसिफाइड सो दैट यू आर गेटिंग दिस थिंग, ओके, दिस आउटपुट। बी, अभी तक आपने एक डेटा फ्रेम बनाया, किससे, एक तो एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाया ये सीखा, और दूसरा आपने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया 2D डिक्शनरी से और उसे विदाउट इंडेक्स क्रिएट किया, इंडेक्स अलग से स्पेसिफाई किया थ्रू इंडेक्स एट्रीब्यूट। उसके बाद आपने क्या किया, इंडेक्स को व्हाइल क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम उसमें इंडेक्स पैरामीटर का इस्तेमाल करके, इंडेक्स आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करके आपने डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम 2D डिक्शनरी। नाउ अनदर टेक्निक, अनदर मेथड बी पार्ट, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। वैल्यूज को डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और 2D डिक्शनरी है, यानी डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से आप डेटा फ्रेम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी मार्क्स df, और ये डेटा फ्रेम बनाएंगे मार्क्स df नाम रखेंगे और वो डिक्शनरी पास कर देंगे। डिक्शनरी में क्या है देख लीजिए, विच स्टोर्स द यूनिट टेस्ट वाइज एवरेज मार्क्स एज इनर डिक्शनरी। अंदर वाली डिक्शनरी में तीन क्लासेस के लिए 10th, 11th और 12th के लिए UT1, UT2, UT3, UT4 चार UTs के एवरेज मार्क्स हैं आउट ऑफ 40। 11th का भी इसी तरह से चार UTs के हैं और 12th का भी चार UTs के एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 40 दिए हुए हैं। और ये देखिए, ये डिक्शनरी है, उसके अंदर भी की के साथ ये डिक्शनरी है और डिक्शनरी में आपकी की वैल्यू पेयर है। तो उसके बाद आप कर क्या करते हैं, ये डिक्शनरी पास कर देते हैं पीरियड और डेटा फ्रेम को और आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो लेट अस कॉपी द कोड एंड सी व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस। आइए यहाँ पर मैं अब नई डिक्शनरी इसमें ओवरराइट कर देता हूँ, नया कोड ओवरराइट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी किस तरह से है, 10th, 12th और 11th ये मेजर कीज हैं और इन कीज के अंदर जो दूसरी डिक्शनरी है उसमें की वैल्यू पेयर सबका दिया हुआ है। तो लेट अस रन इट एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। और ये डेटा फ्रेम का नाम है मार्क्स df, वो ऑलरेडी प्रिंट किया जा चुका है, सेव कीजिए, रन कराइए। यस, तो जो मेजर कीज थी 10th, 11th और 12th वो तो बन गई बेटा क्या, कॉलम्स बन गई, और जो इनर कीज थी UT1, UT2, UT3, UT4 ये चार कीज तीनों डिक्शनरीज में थी। तो उसका आप देखें किस तरह से ये क्या बन जा रही, रो इंडेक्स लेबल्स बन जा रहे हैं। आउटर डिक्शनरी यानी आउटर की जो थी डिक्शनरी की
वो कॉलम के लेबल्स बन गए। तो इन दैट वे यू हैव गॉट दिस रिजल्ट, इस तरह से आपको ये रिजल्ट मिला इसका, कौन से का ये यहाँ से कोड में अच्छा दिखेगा आपको, ये एक डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी हो गई, दूसरी डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी हो गई, और तीसरी ये हो गई, ठीक है। तो दिस इज द आउटर मोस्ट डिक्शनरी हैविंग थ्री कीज, 10th, 11th एंड 12th हैज बिकम द कॉलम नेम। दीज आर इनर डिक्शनरीज, ईच डिक्शनरी इज हैविंग सेम कीज, UT1, 11, 12th में सभी में UT1, UT2, UT3, UT4 चार कीज हैं, और ये चारों कीज जो है क्या बन रही है, रो लेवल्स बन रही है, ओके, आउटपुट में। यहाँ से आप फिर से देख सकते हैं इसका आउटपुट ये। दूसरी चीज, अगर ये जो इनर कीज हैं, इनर कीज अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे इसमें CT1 है, क्लास टेस्ट 1, क्लास टेस्ट 2 और क्लास टेस्ट 3, क्लास टेस्ट 4, लेकिन 12th की जो डिक्शनरी है उसमें देखिए CT5, CT6, CT7, CT4 है, एक तो कॉमन है, CT4 इज कॉमन, रेस्ट 3 आर डिफरेंट, क्लास टेस्ट 5, 6 एंड 7 दीज आर डिफरेंट। तो जो कॉमन है दोनों में उनका देखिए आप, CT1, CT2, CT3 ये तो पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं है, और CT4 दोनों में है, 10th और 12th में, और CT5, CT6, CT7 सेकेंड में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, यानी कि 12th में है और 10th में नहीं है। तो इस तरह से आपका डेटा फ्रेम का व्यू सामने दिख रहा है कि कैसे ये बनेगा, CT1, CT2, CT3 इज फाउंड, दीज कीज आर फाउंड इन 10th क्लास, तो 10th के कॉलम में ये वैल्यूज आ रही हैं, और इनके अगेंस्ट जो वैल्यूज 12th में है वो 9 हो जाएंगी। CT4 12th में भी है, CT4 10th में है, कॉमन है, तो 10th के नीचे भी इसकी वैल्यू आ रही है और 12th के नीचे भी इसकी वैल्यू आ रही है। CT5, CT6 एंड CT7 दीज कीज आर फाउंड इन क्लास 12th ओनली, तो ये क्लास 12th में इनकी वैल्यूज आ जाएंगी और इसके अगेंस्ट 10th में क्या हो जाएगा, 9 अपीयर हो जाएगा। लेट अस कॉपी पेस्ट ओवर देयर एंड सी द सेम आउटपुट हाउ इट अपीयर्स। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया, सेव किया, रन कराया, आप देख सकते हैं द सेम आउटपुट एज यू हैव ऑब्जर्व्ड ओवर देयर, जो कि यहाँ पर मैंने पहले से ही आपके लिए पेस्ट किया हुआ है, इस तरह का आउटपुट आपके सामने आ गया। नाउ तीसरा जो तरीका बताने जा रहा हूँ आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करने का, इसमें लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है बेटा, यानी कि आउटर जो होगा वो लिस्ट होगा और उसके अंदर डिक्शनरीज होंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट, सारा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है, मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन गो एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम द लिस्ट कंटेनिंग डिक्शनरीज ऑफ डेटा पॉपुलेशन हॉस्पिटल्स स्कूल्स एंड डेंसिटी ऑफ 5 मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलोर। इन 4-5 महानगरों का जो डाटा है वो क्या है, पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ स्कूल्स और वहाँ की डेंसिटी क्या है, ये सारा जो है डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर कर दिया गया, DI ऑफ दिल्ली डिक्शनरी, DI ऑफ मुंबई, DI ऑफ कोलकाता, और इसके अंदर क्या है, पॉपुलेशन ये है, हॉस्पिटल ये है, स्कूल्स ये हैं, और लगता है कि इसमें डेंसिटी रह गया तो मैं यहाँ से डेंसिटी हटा ही देता हूँ, इसको रख करके कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से हटा दिया मैंने। अब आप देखिए कि ये लिस्ट एक बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ मेट्रो सिटीज़ की, तो DI ऑफ दिल्ली, DI मुंबई, ये जो है आपका DI कोलकाता, DI चेन्नई, DI बेंगलोर, या आप इसे एक साथ जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके पहले ये पेस्ट करो कॉमा, ये पेस्ट करो कॉमा, ये सारा जो है कॉमा करके पेस्ट कर सकते हो, एक ही बात हुई है, आप इतना प्रोग्रामिंग जान चुके हैं, सीख चुके हैं। अब DF3 में बनाता हूँ PD.DataFrame लिस्ट मेट्रो, लिस्ट मेट्रो का मतलब ये वाली लिस्ट, और इस वाली लिस्ट का मतलब डिक्शनरी जो है, 5 डिक्शनरीज हैं इस लिस्ट में। इंडेक्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलोर। प्रिंट जब कराता हूँ तो ये जो आपने इंडेक्स बनाया है ये इंडेक्स अदरवाइज 0, 1, 2, 3, 4 आते, अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर यहाँ पर लगा दिया मैंने इंडेक्स, और इनकी पॉपुलेशंस आपकी ये हैं, हॉस्पिटल्स ये हैं, स्कूल्स ये हैं।
तो ये आपने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से ये डेटा फ्रेम बनाया है, इसे मैं पेस्ट करता हूँ वहाँ पर एंड कोड में, एंड देन सी द आउटपुट। एंड कोड यहाँ थोड़ा सा अच्छा विजिबल होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चार पांच जो है पांच डिक्शनरीज हैं, जिसमें सभी में सेम सिमिलर टाइप ऑफ कॉलम्स हैं, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स, तीन ही कॉलम है। इसकी एक लिस्ट बना ली और इस लिस्ट को यहाँ पर पास कर दिया गया व्हाइल क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम df3, एंड इंडेक्स हैव बीन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरीज। सो लेट अस सी द आउटपुट हाउ इट इज बीन क्रिएटेड। ये देखिए आप, और इस तरह का सिमिलर आउटपुट आपके सामने आ गया। अगर फर्ज कीजिए कि यहाँ पर मैं इसके कोडिंग में मान लीजिए कि मैं ये इंडेक्स ना लगाता तो ऑब्वियसली क्या आता, आप देख सकते हैं। यहीं पर अगर मैं ये क्लोज कर देता हूँ तो ऑब्वियसली 0 1 2 3, या मैं इसको तब तक हैश बना के रख देता हूँ, सेम किया तो इसके जो रो लेवल्स हैं आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 आ रहे हैं, है ना। तो वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये किस सिटी का है उसी के अकॉर्डिंग इसका आप इंडेक्स लेवल चेंज कर सकते हैं। तो फॉर दैट द सेम थिंग हैव बीन डन, जैसे यहाँ किया गया था, सेव किया, रन कराया, तो ये आपके इंडेक्स लेवल पांच मेट्रो सिटीज के नाम आ जाते हैं। लेट अस गो टू अनदर टेक्निक, अनदर मेथड ऑफ क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। यहाँ से देखें आप, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ लिस्ट, 2D लिस्ट इसे हम कहेंगे, लिस्ट से ही हम बनाने जा रहे हैं डेटा फ्रेम। देखिए लिस्ट ऑफ लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट से, तो एक लिस्ट हमारे पास नेम्स की है, पांच नेम है ये, एक एज की है, पांचों की एज है, यहाँ परसेंटेज है, पांचों का परसेंटेज है। तो अब मैं ये क्या है, पांच बच्चे, ये पांच बच्चे पांच सेक्शंस के टॉपर है मान लीजिए, ठीक है, सेक्शन ए बी सी डी ई के टॉपर्स हैं, उन पांचों का नाम, पांचों की करिस्पॉन्डिंग एज और पांचों की करिस्पॉन्डिंग परसेंटेज आउट ऑफ 100, ये स्टोर किया गया है पांच लिस्ट में, और उस लिस्ट की भी एक लिस्ट बनाई गई है सेक्शन टॉपर, सेक्शन अंडरस्कोर टॉपर करके, LST नेम, LST एज, LST परसेंट, और इस सेक्शन टॉपर को हम पास करेंगे व्हाइल क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम का नाम सेक्शन df रखा है, क्वेरी डॉट डेटा फ्रेम, सेक्शन टॉपर पास कर दिया, और इसमें आपको कॉलम भी स्पेसिफाई करना पड़ रहा है, कॉलम के लेवल सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई आएंगे, इंडेक्स के लेवल नेम, एज और परसेंटेज यहाँ डिफाइन किए गए। अगर ये ना कॉलम्स और इंडेक्स ना डिफाइन किए गए होते तो यहाँ पर डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 4 के रूप में आता। अभी मैं इसे रिमूव करके आपको दिखा दूंगा। सो लेट अस पेस्ट दिस कोड ओवर देयर इन द पाइथन IDLE फाइल। यहाँ पर पाइथन की प्रोग्राम फाइल में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप इसे स्पष्ट देख सकते हैं कि क्या कोड हमारा है। इसे मैंने सेव किया और रन करा दिया, तो आप देख सकते हैं इस तरह का डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, जिसमें पांच कॉलम है और तीन रोज हैं, पांचों कॉलम पर इंडेक्स लेबल लगे हैं सेक्शन ए बी सी डी ई, और रोज पर भी इंडेक्स लेबल हमने लगा दिया है। बट इफ़ आई वॉन्ट टू रिमूव दीज इंडेक्स लेबल्स, What will be the default index labels appearing over here? यहीं पर मैं ब्रेकेट लगा करके इसको अगली लाइन में लेकर के कमेंट बना देता हूँ। तो जो आपके कॉलम्स के इंडेक्स लेबल, इसका मतलब नेस्टेड लिस्ट से जब भी आप कोई डेटा फ्रेम बनाएंगे तो कॉलम और रोज के इंडेक्स लेबल्स आपके 0 1 2 3 डिफॉल्ट हो जाएंगे, और उसके लिए आपको वाइल क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम उसमें कॉलम्स पैरामीटर और इंडेक्स पैरामीटर आपको चेंज करना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग यू विल बी हैविंग योर ओन कॉलम लेबल्स एंड रो लेबल्स। देखिए बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 कॉलम्स के लेबल आ रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं रो के लेबल्स आ रहे हैं। ये अमन 1598.5 एक स्टूडेंट का डाटा है, एक सेक्शन का टॉपर है, ये दूसरे सेक्शन का, तीसरे का, चौथे का और पाँचवें का, और ये इनका नाम है, ये इनका एज है, ये इनका परसेंटेज है। तो यहाँ पर इसके लेवल चेंज कर लें और इसके लेवल चेंज कर लें, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया था। वाइल क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम कॉलम्स में हमने ये लिस्ट डाल दी थी और इंडेक्स में हमने ये लिस्ट डाल दी थी। यू कैन अगेन रिव्यू इन द कोडिंग। इसको मैं ले जा रहा हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि नेस्टेड लिस्ट पास्ट करने के बाद हेयर कॉलम्स इक्वल टू
दिस दिस दिस, और इसी के आगे इंडेक्स कॉमा इंडेक्स इक्वल टू नेम इज और परसेंटेज ये दिखाया गया। तो ये रो लेबल्स बन जाएंगे और ये कॉलम लेबल्स बन जाएंगे। फिर से एक बार सेव करके यू कैन सी इट अगेन। तो ये आपका फाइनल आउटपुट आ गया विच हैज ऑलरेडी बीन पेस्टेड ओवर हेयर फॉर योर रेडी रेफरेंस, यहां पर आपका है। ई पार्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आप 2D एनडी एरे से आप एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपका 2D लिस्ट था उसी तरह से 2D एनडी एरे होगी, उसे आप डेटा फ्रेम बना लेंगे। वहां पर भी आपको कॉलम्स के इंडेक्स डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4 आएंगे और रो के इंडेक्स भी 0, 1, 2, 3, 4 आएंगे। दैट मीन्स वाइल क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम यूजिंग 2D एनडी एरे, वहां पर भी आपको कॉलम्स पैरामीटर और इंडेक्स पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर आई एम क्रिएटिंग एरे, 2D एरे यहां पर क्रिएट करता हूं। ARR1 इक्वल टू np.array, यहां पर नेस्टेड लिस्ट है, दो रोज है नेस्टेड लिस्ट में आप देख सकते हैं, और चार कॉलम की और दो रो की ये एक डेटा फ्रेम बनेगा। ठीक है, फोर कॉलम्स फोर वैल्यूज आर देयर इन वन लिस्ट, अगली रो में भी फोर वैल्यूज, इसी तरह से आप जितना भी चाहें कर सकते हैं, जितनी रो बनाना चाहें। तो एक ये एरे को भी मैं प्रिंट करा रहा हूं आपको दिखाने के लिए। फिर इस एरे को डेटा फ्रेम में पास किया गया तो सिंपल डेटा फ्रेम क्या बनेगा विद डिफॉल्ट इंडेक्सेस ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फिर उसके बाद इसको ARR1 को पास करके इसकी जो रो लेबल्स हैं, कॉलम लेबल्स और रो लेबल्स बदले जाएं तो डेटा फ्रेम क्या बनेगा। तो हेयर यू कैन, यहाँ पर NP का डेटा टाइप int32 का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए आप ये भी देख सकते हैं। अगर इसको मैं नहीं भी करूँगा देन ऑल्सो इट विल बी क्रिएटेड। ओके, अभी इसको रिमूव करके भी मैं आपको शो कर दूंगा। तो मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा कोड सारा, यू कैन सी हियर ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया, NP भी ले लिया है। अगर मैं ये हटा देता हूँ, सपोज कीजिए ये मैंने हटा दिया, तो कंट्रोल S कर दिया और F5, तो आप देखते हैं ये तो आपकी एरे है, 2D एरे प्रिंट हो रही है नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में एक तरह से, और ये आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो रहा है 2 रोज का और 4 कॉलम्स का विद डिफॉल्ट कॉलम इंडेक्सेस एंड रो इंडेक्सेस। और ये मैंने क्या किया है, कॉलम के लेबल्स 1, 2, 3, 4 कर दिए और रो के लेबल फर्स्ट और सेकंड कर दिए, उसके बाद ही आपका प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप डेटा फ्रेम 2D एनडी एरे से बिल्कुल नेस्टेड लिस्ट की तरह क्रिएट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर मैं 3 लिस्ट क्रिएट कर दूँ, ठीक है, अगर यहाँ मैं 3 लिस्ट लगा देता हूँ, वहाँ जाइए जरा कोडिंग में चलते हैं, लेट अस मूव टू द कोड सेक्शन, और यहाँ पर आप आपने लिखा था np.int32, ठीक है, तो इसके साथ आपका क्या हो गया, 32-bit लॉन्ग ईच करेक्ट आई मीन ईच एलिमेंट ऑफ द एरे विल बी ऑक्यूपाइंग 32-bit लॉन्ग मेमोरी स्पेस, ठीक है। अदरवाइज इसका जो भी डिफॉल्ट फीचर होगा एनपी का डाटा टाइप वो यहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा। सो दिस इज नॉट कंपल्सरी टू पुट ओवर हियर, यहाँ से आप हटा भी सकते हैं ये चीज, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं एक तीसरी लिस्ट और इन्वॉल्व कर देता हूँ तो 3 रो का आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा, 80 हो गया, 90 सपोज, 86, 78, 65। एक यहां पर मैंने और लिस्ट इन्वॉल्व कर दिया फॉर 2-डायमेंशनल एरे। अब इंडेक्स जो है बेटा 3 हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको यहां पर एक इंडेक्स लेवल और देना पड़ेगा क्योंकि एक रो मैंने इंक्रीज और कर दिया। तो कॉमा यहां पर मैं दे देता हूं 3। सॉरी, सेव किया और रन कराया तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 रोज आ गई आपकी नेस्टेड में, और यहाँ देखिए एरे प्रिंट हो रहा है, इसके बाद ये डेटा फ्रेम है विद डिफॉल्ट इंडेक्सेस, और ये डेटा फ्रेम है जिस पर मैंने कॉलम्स और इंडेक्स पैरामीटर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि
ये जो हमारा था इसका डेटा फ्रेम का आउटपुट ये एरे प्रिंट किया था, आपने यहाँ पर कोडिंग लिखी हुई थी प्रिंट ARR1। इसके बाद सिंपल डेटा फ्रेम बनाया था, तो सिंपल डेटा फ्रेम बन रहा है 0, 1, 2, 3 कॉलम लेवल्स, 0, 1 इंडेक्स लेवल्स के साथ। एंड फाइनली यहाँ पर कॉलम्स के लेवल्स चेंज किए, इंडेक्स के लेवल्स चेंज किए, उसके साथ डेटा फ्रेम प्रिंट किया गया, तो आपका इतना एरिया वाला ये डेटा फ्रेम प्रिंट हुआ। आई थिंक यू हैव फॉलोड इट, ओके। सो स्टिल इफ यू डोंट फॉलो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो ये आपका दो पार्ट और यहाँ पर रह जाता है, देख लीजिए फटाफट। क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2D डिक्शनरी विद वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज का यूज करके हम लोग डेटा फ्रेम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। सीरीज का नाम, नेम की एक सीरीज बना दी, PD.Series आप बना चुके हो, लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दिया, नेम्स दे दिया, सीरीज एज PD.Series एज दे दिया, सीरीज परसेंटेज PD.Series परसेंटेज यहाँ पर दे दिया, ओके। इसके बाद आप एक डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें नेम हेडिंग है यहाँ पर और सीरीज का नाम नेम, एज हेडिंग के साथ एज की है, उसके बाद सीरीज में सीरीज एज ये वाली सीरीज, देन परसेंट एक हेडिंग है की है और उसकी वैल्यू है सीरीज परसेंट, एंड देन DF6 आपने डेटा फ्रेम 6 बनाया, पीरियड ऑफ डेटा फ्रेम डिक्शनरी हैज बीन पास्ड, इसमें डिक्शनरी आपने पास कर दिया और DF6 आपने प्रिंट कराया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया, पहला कॉलम नेम, यहाँ पर की एज है, एज कॉलम बन गई, यहाँ पर परसेंट है, परसेंट कॉलम बन गया, और रो लेवल्स जो है वो बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4 हो गए। अगर आप यहाँ पर इंडेक्स बदल देते तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से ये 5 सेक्शंस के बच्चे हो जाते। तो आइए मैं इसको वहाँ पर कोडिंग में आपको करके दिखा दूंगा कि किस तरह से आप इसमें इंडेक्स लेवल चेंज कर सकेंगे। लेट अस पेस्ट इट, यस, एंड रन इट, सेव कर दिया और ये आपने रन करा दिया, तो नेम इज परसेंट ये सारा आ गया। उसके बाद इसका अगर लेवल चेंज करना है तो आपको पहले भी बताया गया था किस तरह से आप लेवल चेंज कर पाएंगे, यहीं पर कॉमा लगा करके, और मैं लिख देता हूँ इंडेक्स इज इक्वल टू, सपोज कीजिए सेक्शन ए पूरा नहीं लिखता हूँ मैं, ABCD लिख देता हूँ, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी और कॉमा ई सेक्शन के बच्चे हैं, ये टॉपर से मान लीजिए। तो यहाँ इंडेक्स डिफाइन करने के बाद यू कैन सी, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, दैट मीन्स इट विल नॉट अलाउ दिस वे, ठीक है, इसका आप इंडेक्स बाद में चेंज कर दें, यहाँ पर कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, बाद में इसका इंडेक्स चेंज कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए df6.index, df6.index, इस मेथड से आप बनाएंगे तो वहाँ उसके साथ इंडेक्स नहीं लिखना है, लेट इट बी डिफॉल्ट इंडेक्स, देयर आफ्टर यू कैन डिफाइन द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम बाय इट्स एट्रीब्यूट लाइक दिस, तब आपका ये ऐसा बन जाएगा ABCD और इस तरह से ये हो गया, अदरवाइज इट वॉज बींग प्रिंटेड एज 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इस केस में आपको ये याद रखना है कि हम इसके साथ इंडेक्स ना लिखें, नहीं सारी वैल्यूज नल हो जा रही। यहाँ पर आप इसका इंडेक्स प्रॉपर्टी चेंज कर दीजिए, इंडेक्स एट्रीब्यूट चेंज कर दीजिए, देन योर वर्क विल बी डन, ओके। तो इस तरह से नेक्स्ट आपका ये लास्ट पार्ट है, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, एक डेटा फ्रेम दूसरे डेटा फ्रेम से आप कैसे क्रिएट करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, आपने ये सीरीज से जो डेटा फ्रेम बनाया था तो डेटा फ्रेम ये बन गया सीरीज से, इसके बाद आपने इसको प्रिंट कर दिया, फिर DF7 इज इक्वल टू PD.DataFrame, DF6 उसमें पास कर दीजिए, आपका DF7 बन जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल, यहाँ तक का कोड बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ से मैं इसे दूसरा वाला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड हियर, इसके बाद मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, लेट द इंडेक्स बी आवर ओन, ABCD ही रहने दीजिए इंडेक्स, नॉट 0, 1, 2, 3। तो DF7 आपने प्रिंट किया,
और df6 भी आपने प्रिंट किया है, डाटा फ्रेम 6, डाटा फ्रेम 7, एंड सेव इट, देन एक्सिक्यूट इट। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे इंडेक्स के साथ ABCD, ये जो डेटा फ्रेम df6 बना था उसी की कॉपी है, df7 बन गई। आपने इसमें किया क्या है आपने, व्हाट हैव यू डन हियर, आई हैव क्रिएटेड df6 और उसकी इंडेक्स चेंज कर दिया, df6 को प्रिंट करा दिया, और df7 बनाने के लिए, डाटा फ्रेम से डाटा फ्रेम बनाने के लिए df7 इज इक्वल टू pd.dataFrame विद इन ब्रैकेट df6 पास कर दिया। एक डेटा फ्रेम अगर pd.dataFrame मेथड को पास कर दोगे तो नया डेटा फ्रेम बन जाता है, यहाँ तक कि आप जो है उसे असाइन भी कर सकते हो, df7 इज इक्वल टू df6 भी आप लिख देंगे, देन ऑल्सो टू डेटा फ्रेम विल बी सिमिलर, और दोनों की मेमोरी लोकेशन भी सेम रहेगी असाइनमेंट करने से। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम रिजल्ट आ रहा है, डेटा फ्रेम 6 है और ये आपका डेटा फ्रेम 7 है, एज यू वर वॉचिंग अर्लियर इन अर्लियर केस हाउएवर। तो इस तरह से आपने देखा कि हम डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम इसको समराइज कर लेते हैं। तो ये डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया गया, यहाँ पर 2D डिक्शनरी किससे, सीरीज से बनाई गई, 2D डिक्शनरी सीरीज से बना करके उससे डेटा फ्रेम बनाया गया। इसके बाद ये 2D एनडी एरे से आपका डेटा फ्रेम बना है, ये 2D लिस्ट से डेटा फ्रेम बना है यानी नेस्टेड लिस्ट से डेटा फ्रेम बना है, और ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बना हुआ है, और यहाँ पर आपने 2D डिक्शनरी जिसमें डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से आपने डेटा फ्रेम बनाया है, ठीक है, एंड इट इज नॉर्मली 2D डिक्शनरी से आपका डेटा फ्रेम बनाया गया है, ठीक है, जिसमें वैल्यूज लिस्ट के फॉर्म में है। तो आई थिंक जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी डेटा फ्रेम क्रिएट करने की आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।